हेलो, कैसे हो आप सब? फिर हैं, कैसे हो? सो कैसे हो आप लोग? उम्मीद अच्छे हो गए. सो हे, दिस इज आमिर हियर. सो कैसे हो आप सब? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मेरे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए. ये तो होगा, ये तो होना है. चलो यार, कोई बात नहीं, चीजें होती हैं, बदल जाती हैं, वक्त है, आता है, जाता है. 14 अगस्त मुबारक हो सबको. इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे हो गए. तो यार, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. इसको शेयर करो, कमेंट करना मत भूलना. अगर तुम लाइक करना भूलें ना यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, यकीन करो, लग पते जाते हैं वीडियो बनाते हुए. ये व्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है अगर इसको समझोगे. मैं ये नहीं बताऊँगा मेरी रिलेशनशिप में हुआ क्या था, मतलब कि हम कब मिले थे, कब मुलाकात हुई थी, कब बातचीत शुरू हुई थी, 3 साल की पूरी दास्तान नहीं सुना सकता मैं. इतना टाइम नहीं है. मैंने इसको 5 या 10 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है. मैंने इसको पूरा करना है. सो कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये हुआ है. मैं आप लोगों से वो रीज़न शेयर करता हूँ. अमूमन सबकी ज़िंदगी में वो होते हैं, और कुछ अमूमन क्या होते हैं, ये है शेयर करते हैं. सबसे पहला रीज़न क्या था? इधर आ रहा है. ओके, ये नीचे आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है. अच्छा, तो ब्लेम करना, तो छोटी से छोटी चीज़ का आपको ब्लेम करना. चूजा मर गया मेरा, ब्लेम करना. कुत्ता मर गया, ब्लेम करना. बिल्ली मर गई, ब्लेम करना. यानी जो छोटा छोटा मसला होता था उस पर ब्लेम करना. अपनी गलती नहीं माननी, दूसरों पे गलती डालना. सो ऐसे तो नहीं होता ना. सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इस बंदे की भी होती है, तो सबकी होती है. सो आप किसी एक पे नहीं डाल सकते हैं. तो मैं ये भी जानता हूँ कि गलती एक तरफ से नहीं होती, जब गलती होती है दोनों तरफ से होती है. तो मैं करता हूँ यार एक्सेप्ट ये चीज़ को. मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, खाली ये नहीं मैं तो दूर की चांद से आया हूँ. ऐसा नहीं होता, गलती हर कोई करता है. खैर इंसान है, गलती इंसान में से होती है. तो दूसरा रीज़न यही था कि यार, अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल, यानी कोशिश करना अगले को कंट्रोल करने की. यार पोजेसिव होना और कंट्रोल करने में बहुत फ़र्क होता है यार. आप अगर आप किसी से बात करो, कोई आपका रिलेटिव है, आपका कोई दोस्त है, आपके कोई जानने वाला है, कोई भी, आप उसे पूछो कि कोई मचोर हो, उससे पूछ रहा है ये ना वही मचोर से. नहीं, कंट्रोल करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए. वो भी आप लोगों को ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, आप गलत चीज़ें बताए फ़ायदा. सो कंट्रोल करना और पोजेसिव होना बहुत अलग चीज़ होती है. बहुत कंट्रोल में आता आपको आइसोलेशन कर देना, आपको दोस्तों से बात नहीं करने देनी, आपको यानी आपको हर चीज़ से रोकना, आपकी जो अच्छी चीज़ होगी उससे भी रोकना. यानी बिल्कुल ही खुद कुछ करना नहीं है, खुद सबसे बात करनी है, खुद हर काम करना है, लेकिन आपको काम करने से रोकना है. ये चीज़ बहुत बुरी है. इसको कहते हैं अटेम्प्ट टू कंट्रोल. सिंपल, ये चीज़ें नहीं अच्छी. आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई उसकी लाइफ है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, जब आपकी शादी होती है तो खुद ही आपकी तरफ हो जाता है. वो उसको पता होता है ये मेरी जिम्मेदारी है. जब शादी होती है तो उसको पता लग जाता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने खुद अपने आप को कंट्रोल रखना है. यानी मैं इसको टाइम दूंगा तो मैं बाकी को नहीं दे सकता. लेकिन रिलेशनशिप में ये नहीं होता, रिलेशनशिप में आपकी स्टडी होती है, आपकी फैमिली होती है, आपके घर मतलब के दोस्त होते हैं, सब होता है. लेकिन जब शादी होती है आपकी दोस्ती होती है, लेकिन घर वाले भी होते हैं, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है. आप शादी से पहले इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन चलो ये चीज़ें मानते कि टाइम देना चाहिए, हो गया टाइम देना भी चाहिए. लेकिन यार ऐसे कैसे, ये आपको बंदा टाइम दे रहा है तो ये बंदी आपको टाइम नहीं दे रही, तो ये तो बुरी बात है ना. फिर आप एक तरफा रखोगे तो फ़ायदा ही नहीं है कोई चीज़ का. खैर ये था हमारा दूसरा रीज़न. तीसरा, आइसोलेशन, आपको सबसे अलग कर देना. यानी एक कमरे में बंद करने वाला साहब है, यानी आप मेरे साथ ही रहोगे लेकिन मैं आपको टाइम नहीं दूंगी, आपको मैं टाइम नहीं दूंगा, जो भी कह लो, क्योंकि ये सबके लिए है. सो देखो, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं. एक लड़का है और एक लड़की है. इधर लड़का लड़की को कहता है कि आपने उससे बात नहीं करनी,
आपने अपनी फैमिली के बारे में भी, मतलब कि फैमिली से मेरी बात नहीं करनी, आपने अपने किसी कज़न से बात नहीं करनी, आपने किसी गैर से बात, पोजेसिव है, अच्छी बात है, आपने ये काम नहीं करना, आपने वो काम नहीं करना, आपने अपने दोस्तों से बात नहीं करनी, आपने अपने जो कज़न है उससे बात नहीं करनी। क्या हुआ इधर, इधर ये हुआ, उसने आइसोलेशन कर दिया। तो दूसरे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कब तक बर्दाश्त करेगा, एक बर्दाश्त होती है। सही है, शुरू शुरू में बहुत मज़ा आ रहा है, इसके लिए मैं कर लेता हूँ, इसके लिए मैं कर लेती हूँ, ऐसे बहुत शुरू शुरू में ना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी और मैं इसके लिए ही गुजारूँ और इसके लिए ही जीऊँगा, बस ऐसे होता है शुरू में, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जब वक्त गुजरता है गुजरता है गुजरता है तो एहसास होता है मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं भी कोई इंसान हूँ। खुद अगला बंदा जो तुम्हें कह रहा है आइसोलेशन में हो, जो तुमने किसी से बात नहीं करनी, वो सबसे बात कर रहा हो, सबसे मिल रहा हो, सबसे यानी उठ रहा बैठ रहा हो, सबसे पार्टी कर रहा हो, सबसे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल कॉलेज हो या जॉब लाइफ हो, कुछ भी, तो आप किसी को ऐसे आइसोलेशन नहीं कर सकते। ये था रीज़न, इनकंसिस्टेंट पर्सनैलिटी, ये फोर है रीज़न। तीन करो, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग सीरियस नहीं होते, जब अगला बंदा आपके लिए इतना सीरियस है, आप खुदाया थोड़ी सी शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो, अगले बंदे का थोड़ा सा एहसास कर लो, कब तक वो आपके लिए करेगा है, कब तक करेगा। एक वक्त होता है वो उसको तंग आ जाता है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इधर सारी बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। खुदाया थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा ख्याल रखो अगलों का, कि ताकि आपसे अगले इरीटेट ना हो, अगले आपसे यानी परेशान हो, स्ट्रेस ना आए उनकी ज़िंदगी, क्योंकि आपको पता है आगे जाके आपको पता लगना है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इतना बुरा किस्म का स्ट्रेस आना है आप नहीं समझ सकते, मैंने फेस किया है, मैं जानता हूँ। सो ये था फोर्थ रीज़न, है चौथा रीज़न था ये। पांचवा रीज़न, इमोशनल ब्लैकमेल, अगला मर रहा है, बीमार है, आपको कॉल्स की पड़ी है, अगला बीमार आपको मिलने की पड़ी है, उसका हाल चाल पूछने के बजाय आपको शॉपिंग करनी है, आपको बाहर जाना है, आपको घूमना है, व्हाट द हेल, ये क्या है, आप उसके कोई परेशानी है, उसके घर में कोई बीमार है या उसकी कोई परेशानी है, वो कामों में फंसा हुआ है, आपसे बात नहीं कर पाता, कोई बात हो नहीं, तुमने ऐसा किया तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे बात नहीं करती, ये वो चीज़ें, मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज ब्लॉक कर देना, ये वो चीज़ें, मिलना मत मुझसे। सो ये चीज़ें थी, मिलना ना, सो ये क्या है, इमोशनल ब्लैक, तो मुझसे माफ़ी मांगोगे तो ये होगा, तो मुझे सॉरी बोलोगे तो ये होगा, कब तक, कोई इंसान आपको कब तक सॉरी बोले, कब तक माफ़ी। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखो, सॉरी नहीं बोले चाहिए, आप बिजी थे तो थे, आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिजी थे तो थे, उसको एहसास करना चाहिए आपका। खैर छोड़ो, लोग नहीं करते एहसास, भाड़ में जाए चूजे जैसी शक्ल होती है, उड़ा जाते हैं। तो इसके बाद आता है स्कोर कार्ड, कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस किए, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, हम मैं मेरी वजह से हम मिले, बाहर मिले, हमने खाना खाया, यूनिवर्सिटी में मिले, हम कॉलेज में मिले, हम बाहर गए, तो मेरी वजह से हो तुम, ये सब मेरी वजह से हुआ, ऐसा नहीं होता, क्या हो गया, हद है यार, ये तो हो गया ना साहब, कि यार कुछ नहीं तो सारा चीज़ डाल दी। सो यार ये चीज़ें बोल कर आती है बहुत बुरी, ऐसा होता नहीं कि अगला हर चीज़ बोले तो होता है, बहुत सी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन खैर ये स्कोर कार्ड था, लेकिन मैं थक गया था इन चीज़ों से यार, कसम से स्कोर कार्ड मेरे से नहीं होता। एक्चुअली रीज़न पता क्या है, मेरी आदत यह है कि मैं जिताता नहीं हूँ कोई काम कर, अगले को बताता नहीं यार मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं चुप करके काम कर देता हूँ, लेकिन जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता मैं अपना 200% देता हूँ, लेकिन मुझे अगर 30% भी कम मिलता है ना, 50% भी, मैं उस चीज़ से हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरे लिए सब कुछ, यकीन करो मेरे लिए सब कुछ, तो मैं हट गया था यार वहाँ से, मुझे पता है ये स्कोर कार्ड खेल रही है, ये हो रहा काम, तो मैं खत्म। तो ये था स्कोर कार्ड। पोजेसिव अग्रेशन, एक तो अग्रेशन होता है ना खाली, वो तो खतरनाक होता है, पोजेसिव उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर आपके तो कोई दोस्त हैं, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, इतना भी क्या पोजेसिव हो रहा है कि आप उसको कॉल करके उसके मैसेज कर रहे हो उसके अकाउंट पे जाके, कि आप उससे बात ना किया करो, आप बदनाम कर रहे हो पूरे हर जगह, तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आप घर कॉल कर रहे हो कि इसको समझाएं, ये लड़कियों से बातें करता है, ये ऐसा करता है, आपने कभी देखा भी है, आप गंदा कर रहे हो मुझे। पोजेसिव अग्रेशन, आपको गुस्सा चीज़ क्या है, किस चीज़ का गुस्सा है, जब मैंने आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी है आगे, मैंने बताया हाँ अब बोलो मैं भी हूँ, तो आपकी जली क्यों, फटी क्यों आपकी,
तो आप जगह जगह आप ये मैसेज कर रहे हो, आप वो मैसेज कर रहे हो, तो ये पोजेसिव मैं तो नहीं कहता, ये अजीब सा एग्रेशन था, बच्चों वाली हरकतें थी। खैर छोड़ो, अनहैप्पीनेस, सेवन रीजन अनहैप्पीनेस, यानी कि आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है। जहर सी बात है, इतने मसले होंगे तो आपकी लाइफ में ऐसी खुशी नहीं रहती। तो फ़ायदा तो बस ये था, खुशी खत्म। तो आठवां रीज़न बहुत कमाल है, एंड रीज़न नहीं है, मजाक करूँ मैं, लेकिन ये एंड था। उधर से फिर ख़त्म, सब ख़त्म। जिधर भी हो अल्लाह ताला खुश रखे सबको।